नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो मिशन प्रेरणा क्विज से संबंधित है। 13 दिसंबर 2020 को कानपुर जनपद के ब्लॉक चौबेपुर में मिशन प्रेरणा का एक एग्जाम हुआ था। इस एग्जाम में शिक्षण संग्रह मॉड्यूल से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कुल मिलाकर प्रश्न पूछे गए थे वो 50 थे और 50 ही नंबर के थे। साथियों, इस एग्जाम में बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर आपके यहाँ पर इस तरह का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, तो एग्ज़ाम तो होना ही है, तो इस तरह की वीडियो से आपको थोड़ा लाभ मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि इस तरह के एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों, विभिन्न जनपदों में ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है और कहीं कहीं पर तो ऑफलाइन भी हो रहा है, लेकिन अधिकतर ऑनलाइन हो रहा है। इसलिए अगर आपके यहाँ पर अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो आप तैयारी करते रहें और अपने आप को इसके लिए तैयार रखें, जिससे जब भी एग्ज़ाम हो तो आप उसको फेस कर पाएं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य उपयोगी वीडियो समय समय पर मिलती रहा करें। आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, जिनको मैं अपने YouTube चैनल पर तो अपलोड करता ही हूँ। मैंने इनके लिए एक WhatsApp ग्रुप भी बनाया हुआ है। अगर आप इस WhatsApp ग्रुप में जुड़ना चाहें, तो आपको WhatsApp ग्रुप और Telegram ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि जनपद कानपुर में किस तरह का एग्जाम हुआ था और उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षण संग्रह क्या है? विकल्प दिए गए हैं चार। पहला विकल्प है विश्व से संबंधित समस्याओं के समाधान, शिक्षा विभाग का वर्णन, शिक्षा से संबंधित विभिन्न जानकारियां और सूचनाओं का संग्रह। तो सही जवाब है विकल्प नंबर तीन, क्योंकि शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में शिक्षा से संबंधित विभिन्न जानकारियां और सूचनाओं का संग्रह है। ये कुल मिलाकर शिक्षकों के लिए बनाया गया है कि किस तरह से हम प्रभावी शिक्षण करा सकते हैं। साथियों, जो वीडियो बनाई है हमने, ये हमारे एक मित्र हैं कानपुर के, उन्होंने हमें स्क्रीनशॉट दिए थे, तो उनको लेकर हमने इसकी वीडियो बनाई है। तो इसमें उन्होंने कुछ प्रश्नों के जवाब सही दिए हैं, कुछ के गलत, लेकिन हम आपको यहाँ पर सब जवाब सही बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियमित रूप से निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कौन करेगा? ARP, SRG, BEO, DM। सही जवाब है विकल्प नंबर तीन, BEO। अगला प्रश्न, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में कुल कितने पायदान हैं? 29, 28, 26, 25। तो साथियों, आपको ध्यान होगा प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में जो अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अल्फाबेट हैं, उन्हीं का यूज़ किया गया है और उसी को प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी भी कहा जाता है। तो क्योंकि अल्फा भी 26 है, तो इसीलिए प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में 26 पायदान हैं। तो इस तरह सही जवाब हुआ विकल्प नंबर तीन, 26। अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर NK जगीरा की पुस्तक का नाम है मेघदूत, आदर्श शिक्षक, प्रभावी शिक्षक, साकेत। सही जवाब है विकल्प नंबर तीन, प्रभावी शिक्षक। प्रोफेसर NK जगीरा की पुस्तक का नाम है प्रभावी शिक्षक। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में अक्षर ई का अर्थ है कार्य प्रदर्शन, अपेक्षाएं, प्रतिपुष्टि, प्रशंसा और प्रोत्साहन। तो साथियों, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में अक्षर ई का अर्थ है अपेक्षाएं, विकल्प नंबर दो। अगला प्रश्न, अच्छे शिक्षक की पहचान करें, पाठ योजना का निर्माण, खाली स्थान भरें। तो यहां पर आएगा, क्योंकि पाठ योजना या शिक्षण योजना का निर्माण ही करता है एक अच्छा शिक्षक, तो यहां पर विकल्प नंबर चार, योजना आएगा। अच्छे शिक्षक की पहचान करें, योजना का निर्माण। अगला सवाल है, शिक्षक डायरी में शिक्षक द्वारा किए गए शिक्षण कार्यों का संक्षिप्त साप्ताहिक विवरण हेतु कितनी प्रतियां होंगी? 50, 100, 20, 10। सही जवाब है 50। साथियों, जो शिक्षक डायरी मिलेगी उसमें 50 पेज इस बात के हैं
ताकि उसमें हम अपना साप्ताहिक विवरण बना सकें। तो इसलिए सही जवाब होगा विकल्प नंबर एक, 50। अगला सवाल आता है, कक्षा 3 में बोलना पढ़ना लिखना के प्रतिदिन क्रमशः कितना समय दिया जाना है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 3, 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट और 2 घंटा। यानी कि कक्षा 3 में बोलना के लिए 1.5 घंटा और पढ़ने के लिए भी 1.5 घंटा और लिखने के लिए 2 घंटा, ये समय दिया जाना है। अगला सवाल, विद्यालय में प्रयोग किए जाने वाले ICT संसाधन नहीं है, प्रोजेक्टर, मोबाइल, स्मार्ट टीवी, पेजर। तो साथियों, प्रोजेक्टर भी विद्यालय में यूज होता है, मोबाइल का यूज भी होता है और स्मार्ट टीवी का यूज भी होता है। अगर किसी का यूज नहीं होता इसमें तो वो है पेजर। तो इस लिहाज से सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4, पेजर। अटेंडेंस स्क्वायर संबंधित है शिक्षकों की उपस्थिति से, बच्चों की उपस्थिति से, औचक निरीक्षण से, पर्यवेक्षण से संबंधित। सही जवाब है विकल्प नंबर 2, अटेंडेंस स्क्वायर बच्चों की उपस्थिति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, कक्षा में किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने तथा प्रोजेक्ट वर्क में बैठक व्यवस्था प्रभावी होगी, गतिविधि के अनुरूप, अर्धचंद्राकार, छोटे समूह में बैठाना, सभी। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर 3, छोटे समूह में बैठाना। इसमें करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर 3, छोटे समूह में बैठाना। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व विकास से जुड़े क्रियाकलाप में शामिल है प्रातःकालीन सायंकालीन सभा, सह शैक्षिक गतिविधियां, विभिन्न प्रकार के खेलकूद व शैक्षिक कार्यक्रम, उपरोक्त सभी। तो सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4, उपरोक्त सभी, क्योंकि प्रातःकालीन सभा और सायंकालीन सभा से भी व्यक्तित्व विकास में से जुड़े क्रियाकलाप कराए जाते हैं, सह शैक्षिक गतिविधियां इसमें भी व्यक्तित्व विकास से जुड़े क्रियाकलाप कराए जाते हैं, और खेलकूद में तो आता ही है ये सब। तो सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, प्रातःकालीन सभा की योजना में किन किन की जिम्मेदारी निर्धारित होनी चाहिए? केवल शिक्षक शिक्षिकाओं की, केवल बच्चों की, शिक्षक एवं बच्चों दोनों की। सही जवाब है विकल्प नंबर 3, शिक्षक एवं बच्चों दोनों की। अगला प्रश्न, सायंकालीन सभा की कार्य योजना में किस दिवस को सुलेख एवं श्रुति लेख प्रतियोगिता का आयोजन निर्धारित किया गया है? तो साथियों, इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4, शनिवार। सायंकालीन सभा में शनिवार के दिन की जो कार्य योजना होती है उस दिन सुलेख और श्रुति लेख प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सह शैक्षिक गतिविधियों को किस नाम से जाना जाता है? पहला विकल्प है पाठ्यक्रमीय क्रियाकलाप, दूसरा दिया गया है पाठ्येतर क्रियाकलाप, नंबर 3 पर है पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप, नंबर 4 पर है संज्ञान सहगामी क्रियाकलाप। तो सही जवाब होगा विकल्प नंबर 1, पाठ्यक्रमीय क्रियाकलाप। अगला प्रश्न, सह शैक्षिक गतिविधियों के सफल संचालन के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो सही जवाब होगा इसका विकल्प है, पहला विकल्प देख लें आप, एकात्मकता, आयोजन, प्रबंधन, नियोजन। तो सही जवाब होगा विकल्प नंबर 1, एकात्मकता। इसे पूछा गया है सह शैक्षिक गतिविधियों के सफल संचालन के लिए क्या आवश्यक नहीं है, आयोजन भी आवश्यक है, प्रबंधन भी आवश्यक है और नियोजन भी आवश्यक है। तो इसलिए सही जवाब होगा विकल्प नंबर 1, एकात्मकता। अगला प्रश्न, शिक्षण संग्रह में कुल कितने जीवन कौशलों का वर्णन है? 10, 8, 15, 4। सही जवाब है 10, यानी कि विकल्प नंबर 1। शिक्षण संग्रह में कुल मिलाकर 10 कौशलों का वर्णन किया गया है, जो जीवन कौशल है उसमें 10 बताए गए हैं। अगला प्रश्न, शिक्षण संग्रह में ताकि सपने सच हों से क्या आशय है? रात में सपने दिखाना, बिना सोचे समझे अपनी मनमानी करना, भविष्य की योजना बनाना, स्वतंत्रता महसूस करना। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 3, भविष्य की योजना बनाना। अगला प्रश्न आता है,
बच्चों की बाल संसद के गठन में कुल कितने पद निर्धारित किए गए हैं? 4, 12, 8, 15। सही जवाब है विकल्प नंबर 2, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की बाल संसद के मुख्य उद्देश्यों में शामिल नहीं है जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व का विकास, नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, एकाधिकार जमाने की क्षमता। सही जवाब है विकल्प नंबर 4, एकाधिकार जमाने की क्षमता। अगला प्रश्न, विद्यालय में विविधताओं से भरे सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ एक ही कक्षा में शिक्षा देना किस प्रकार की शिक्षा है? बाल केंद्रित शिक्षा, समावेशी शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, क्रियात्मक शिक्षण। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 2, समावेशी शिक्षा, क्योंकि समावेशी शिक्षा में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं और उन सभी को एक साथ बैठाकर शिक्षण कार्य कराना होता है, तो इस प्रकार की जो शिक्षा होती है उसे समावेशी शिक्षा कहा जाता है। नेतृत्व यानी लीडरशिप सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, असत्य, सत्य, दोनों या दोनों नहीं। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 2, सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या शैक्षिक नेतृत्व शिक्षकों के कार्य प्रदर्शन तथा बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति को सीधे प्रभावित करता है? नहीं, कभी नहीं, निश्चित रूप से हाँ, कह नहीं सकते। सही जवाब है विकल्प नंबर 3, निश्चित रूप से हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यालय के प्रधान अध्यापक के लिए कौन सी नेतृत्व शैली उपयुक्त मानी जाती है? स्वतंत्र नेतृत्व शैली, सत्ताधारी नेतृत्व शैली, उपचारात्मक नेतृत्व शैली, लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली। सही जवाब होगा लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली, विकल्प नंबर 4। अगला सवाल आता है, निरंकुश नेतृत्व का सबसे बड़ा दोष क्या होता है? समूह में व्यवस्था बनी रहती है, सदस्य अधीनता का अनुभव करते हैं। सही जवाब विकल्प नंबर 2, निरंकुश नेतृत्व में सबसे बड़ा दोष यही होता है कि जो सदस्य होते हैं वो अधीनता का अनुभव करते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में प्रत्येक माह SMC की बैठक कब किए जाने का प्रावधान है? प्रत्येक माह की 3 तारीख को, प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को, माह के प्रथम बुधवार को, माह के प्रथम शनिवार को। सही जवाब है माह के प्रथम बुधवार को, विकल्प नंबर 3। अगला क्वेश्चन, SMC सदस्यों को निम्न में से कौन सी पुस्तिका उपलब्ध कराई गई है? अरमान पुस्तिका, प्रेरणा संदर्शिका, मीना हस्त पुस्तिका, जन पहल हस्त पुस्तिका। सही जवाब होगा जन पहल हस्त पुस्तिका, विकल्प नंबर 4। समावेशी शिक्षा किस प्रकार के सिद्धांत पर आधारित है? एकीकरण के सिद्धांत पर, केंद्रीकरण का सिद्धांत पर, विकेंद्रीकरण का सिद्धांत पर और बहुपद्धति के सिद्धांत पर। सही जवाब होगा एकीकरण के सिद्धांत पर, विकल्प नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक सहभागिता और समावेशी शिक्षा शिक्षण संग्रह के किस भाग में समाहित है? भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 3, भाग 5। सामुदायिक सहभागिता और समावेशी शिक्षा शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के भाग 5 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट की अवधारणा में S से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4, स्पेसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा शिक्षक अपनी कक्षा के बच्चों की प्रगति का सतत आकलन करता है, तो इसमें सही जवाब होगा विकल्प नंबर 2, प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन की वास्तविकता सीख को नहीं बता पाता, यहां पर क्या आएगा रिक्त स्थान में? अंक आधारित आकलन वास्तविक सीख को नहीं बता पाता, विकल्प नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, रचनात्मक आकलन बच्चे के, अब रिक्त स्थान है, को जानने का कारगर उपकरण है। पहला विकल्प है अंक आधारित दक्षता, दूसरा है ग्रेड, नंबर 3 पर है उपलब्धि स्तर,
नंबर 4 पे है इनमें से कोई भी नहीं। तो सही जवाब होगा विकल्प नंबर 3 उपलब्धि स्तर। रचनात्मक आकलन बच्चे के उपलब्धि स्तर को जानने का कारगर उपकरण है। अगला प्रश्न, आकलन बच्चे में आत्मविश्वास और रिक्त स्थान यहाँ पर के प्रोत्साहन हेतु किया जाता है। विकल्प दिए गए हैं संयम, विवेक, धैर्य और स्व आकलन। तो सही जवाब होगा स्व आकलन। आकलन बच्चे में आत्मविश्वास और स्व आकलन के प्रोत्साहन हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने सिखाने की प्रक्रिया नियमित और उपयुक्त तरीके से परिवर्तित कर संचालित करने को कहते हैं संचालन, अभिप्रेरणा, आकलन और चिंतन। सही जवाब होगा आकलन, विकल्प नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे का आकलन निम्न में से किन पक्षों में किया जाना चाहिए? ज्ञानात्मक पक्षों, नैतिक मूल्यों के, कौशलों, रुझानों, रुचियां तथा अभिप्रेरण के। तो सही जवाब होगा विकल्प नंबर 3 कौशलों, रुझानों, रुचियां तथा अभिप्रेरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है 37, उक्त समीक्षा किनकी है? क्या हमने सभी तकनीकियों का उपयुक्त प्रयोग किया है? पहला विकल्प है अभिभावक की, नंबर 2 पर है विद्यार्थी की, नंबर 3 पर है अध्यापक की और नंबर 4 पर है उपयुक्त सभी। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 3 अध्यापक की। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के स्व आकलन को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करेंगे? स्लेट, प्रोफाइल, गृह कार्य, सहपाठी का कार्य। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 2 प्रोफाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन का फीडबैक अभिभावक को किस हेतु प्रेरित करेगा? अनुशासन हेतु, स्व आकलन हेतु, दंड हेतु, अपने पाल्य की मदद हेतु। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4 अपने पाल्य की मदद हेतु, क्योंकि जो आकलन का फीडबैक होगा वो माता पिता को इस बात के लिए प्रेरित करेगा कि वो अपने बच्चे की मदद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में बच्चे की प्रगति का आधार, पहला विकल्प कक्षा के बच्चों के अंक से तुलना करना, दूसरा है आपसी बौद्धिक स्तर की तुलना करना, नंबर 3 पर है प्रत्येक बच्चे की अपनी पिछली प्रगति से तुलना करना, नंबर 4 है इनमें से कोई भी नहीं। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 3 प्रत्येक बच्चे की अपनी पिछली प्रगति से तुलना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रातःकालीन सभा में निम्न विद्यालय का कार्यक्रम नहीं है, विज, समाचार वाचन, सामान्य ज्ञान वाचन, प्रार्थना। साथियों, प्रातःकालीन सभा में प्रार्थना भी होती है, सामान्य ज्ञान भी बताया जाता है और समाचार वाचन भी होता है, नहीं होता है तो क्विज, विकल्प नंबर 1 सही जवाब है। उच्च प्राथमिक स्तर पर कला की कक्षा का दिवस है, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 3 शुक्रवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर सृजनात्मक कार्य का कालांश है, आठवा, चौथा, सातवा, विकल्प नंबर 2 पर है शून्य। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4 सातवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में विविध अध्याय नहीं है, पहला विकल्प है सीखना और ज्ञान, नंबर 2 पर है व्यवस्थागत सुधार, नंबर 3 पर है श्रेष्ठ एवं पूर्ण बच्चा, नंबर 4 पर है परिपेक्ष्य। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 3 श्रेष्ठ एवं पूर्ण बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की मांग किससे की गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली, हंटर कमीशन, कोठारी कमीशन। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 3 हंटर कमीशन। सर्वप्रथम निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की मांग हंटर कमीशन से की गई थी। अगला क्वेश्चन है, तंबोला से शब्द बनाना किस प्रकार की गतिविधि है? पहला है वर्ण पहचान, बोलने की दक्षता, भाषा विकास, लेखन दक्षता। सही जवाब है विकल्प नंबर 1 वर्ण पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलने की दक्षता विकास में सहायक गतिविधि नहीं है,
पहला है चित्र पर बातचीत, सुनकर बनाओ, अंतर खोजो, मौन पाठन। इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4, मौन पाठन। मौन पाठन जो है बोलने की दक्षता विकास में सहायक गतिविधि नहीं है। अगला सवाल है, बच्चों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं क्रियात्मक विकास में प्रभावी कड़ी है शिक्षण संग्रह, आधारशिला, शिक्षण योजना, शिक्षण। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4, शिक्षण। 49 नंबर आ गया है, DLED का फुल फॉर्म क्या है? डिप्लोमा इन इंग्लिश एजुकेशन, डिग्री इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री इंग्लिश और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। पहले इसको BTC कहा जाता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 50 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है, सहायक शिक्षा निदेशक किस स्तर पर कार्य करते हैं? सचिवालय, शिक्षा निदेशालय, मंडल, महानिदेशालय। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 3, मंडल। तो साथियों ये थे 50 क्वेश्चन जो जनपद कानपुर में ब्लॉक चौबेपुर में पूछे गए थे। तो आशा करता हूँ इस तरह की वीडियो से आपको लाभ मिलेगा और आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।